शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते।